आपको कल हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आइटम मॉलिक्यूल्स आयंस के बारे में बता रहे हैं ना। तो आइटम क्या होता है वो आपको बता दी बाबू, है ना, लहसुन ला के, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बताया, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता था, इलेक्ट्रॉन का क्या बताया, अरेंजमेंट बताया, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट रहता है ना। फिर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट से आपने क्या निकाला, वैलेंसी निकाला, है ना, वैलेंसी निकाला, ठीक है ना बाबू। अब आपको क्या लिखना है, उसके बाद क्या बताया, मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया, आयंस के बारे में बता दिया, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड बताया ना। अब मॉलिक्यूल्स में बाबू आपको मॉलिकुलर फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है, मॉलिकुलर फार्मूला लिखना। मॉलिकुल्स में आपको करना क्या, मॉलिकुलर फार्मूला लिखना है ना। तो मॉलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए बाबू आपको क्या रहना चाहिए, मॉलिकुल्स का नाम याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉलिकुल्स का नाम याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए बाबू, आपको वैलेंसी उसका याद होना चाहिए, है ना। इतना चीज याद रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉलिकुल्स लिख लेंगे, है ना। मॉलिकुलर फार्मूला क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, हो जाएगा इजी से, है ना, इजी से क्या होगा, हो जाएगा आराम से, ठीक। तो अब लिखेंगे कैसे सर, तो कल आपको बाबू इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना बाबू, आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स का ये मॉलिकुलर फॉर्मूला कुछ कुछ का लिखा दिया था, है ना। आज हम लोग क्या बाबू, इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स है, मतलब कहने का मतलब बाबू सारे पे जो भी है, सारे पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, मतलब सारे वैलेंसी को बाबू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे ये निगेटिव, ये निगेटिव, मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, अगर चार्ज के फॉर्मेट में लिखोगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा रहेगा, O2 पे 2-, सल्फर पे क्या रहेगा, 2-, वैलेंसी 2 है ना, तो 2- रहेगा। ये कौन सा सर, निगेटिव वाला, ये कौन सा बाबू, निगेटिव वाला, कौन सा, निगेटिव वाला। तो जैसे SO4 है, तो SO4 पे कौन जाएगा, SO4 सल्फेट को आयन के फॉर्मेट में लिखोगे, है ना, तो SO4 हो गया, इस पे कितना वैलेंसी 2 ना है, और निगेटिव रेडिकल से तो SO4 पे 2- होगा। SHO4 है, HSO3 है, तो इसको कितना होगा, HSO3 पे -1 होगा, है ना, -1 होगा, 1- करो चाहे -1 करो, है ना। तो ये जो भी है बाबू सारे के सारे क्या, रेडिकल्स है। रेडिकल्स कहने का मतलब क्या होता है, सारे पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, ठीक। तो ये कौन सा रेडिकल्स है, निगेटिव वाला, मतलब कहने का मतलब बाबू जो भी आपका चार्ज रहेगा कैसा चार्ज रहेगा, निगेटिव वाला रहेगा, निगेटिव वाला रहेगा, है ना। कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें से बाबू आपको एक गुनगुन वीडियो ऑन करो जी, एन उसे तना ऑन करो। जैसे नाइट्रेट का कहेगा तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, NO3, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, NO3। नहीं आवाज ज्यादा जी, गौरव आप सुनाई दे रहे बाबू, लैपटॉप लाइक कर रहा लगता, गौरव तब बोला इतना देर समय से, सुनाई क्लियर दे रहा है ना जी। चलो ठीक है, जैसे नाइट्रेट का है तो नाइट्रेट का क्या होता है सर, NO3 होता, वैलेंसी क्या होता है, 1 होता। मतलब नाइट्रेट को आयन के फॉर्मेट में लिखोगे, देखो शांति से समझो, ये आपको मिलेगा बाबू आयन के फॉर्मेट में मिलेगा, है ना, मैंने चार्जेस के रूप में मिलेगा। तो आप लोग बुक वगैरह में देखोगे ऐसे लिखल रहेगा, कैसे रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तो रेडिकल है, तो O पे कितना, 2-, ये सल्फर है तो सल्फर पे 2-, ये SO3 है तो SO3 पे क्या रहेगा, 2-, क्यों 2- सर, क्योंकि बाबू ये सल्फाइट है ना, ठीक है, वैलेंसी कितना है, 2 है। माइनस क्यों सर, क्योंकि निगेटिव रेडिकल्स है, कल आपको पॉजिटिव रेडिकल्स वाला बताते हैं। जैसे SO4 है तो इस पे चार्ज के रूप में इसको कैसे लिखा जाता है, SO4 और 2- कहा जाता है। ये HSO3 है तो इसको कैसे लिखा जाता है, HSO3 हो जाएगा, अब वैलेंसी 1 है, और निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज, HSO4 है सर, बाइसल्फेट है, तो ये क्या हो जाएगा, HSO4 हो जाएगा, इस पे -1 है, रेडिकल्स है ना जी, आयन है, रेडिकल्स है क्या, आयन मतलब उस पर क्या रहेगा, प्लस माइनस चार्ज रहेगा ना, ठीक। उसी तरह से सारा हुआ, जैसे NO3 नाइट्रेट है, याद रखना ये सब बहुत ही हो जाता है, नाइट्रेट है तो NO3 का क्या होगा, NO3 पे माइनस आ जाएगा, है ना, मतलब सारे में यही आ जाएगा, जो आइटम है जो मोलकुलर फॉर्मूला वही लिख दो, और वैलेंसी 1 है 1 कर दो, और क्या लगा दो, -1 लगा दो, चार्ज क्या कर दो, माइनस माइनस वन तो कर ऐसे दो। ही हाँ मान लेते हैं ना, वन लिखना थोड़ी पड़ेगा। 1 नहीं लिखते हैं, 1 के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, 1 को लिखने में सुंदर नहीं लगता तो हम लोग सिर्फ माइनस दे देते हैं, माइनस दे देते हैं ना, 1 लिखने में सुंदर नहीं लगता तो हम लोग सिर्फ इस पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, माइनस, बाकी 2 रहेगा तो 2- लिखना पड़ेगा, 3- लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक ठीक बाबू। तो ये सब सारा का सारा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मोलकुलर फार्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मोलकुलर फार्मूला बनाएंगे, ठीक। एन उसे डाउन करो जी, ठीक कौन है जी, शांतिन बाबू कैमरा डाउन कीजिए, ठीक। जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, है ना बाबू, सल्फाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट बहुत यूज होगा, है ना, सल्फेट बहुत यूज होगा, कितना होगा, SO4 होगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है ना, H2SO4 है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहेंगे, है ना, बाइसल्फेट है, थायोसल्फेट है, हाइड्राइट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, NO3, ये सब यूज होगा, है ना, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, क्लोराइड क्या होता है, सीएल होता है, क्लोरीन का, क्लोरेट का CLO3 होगा, हाइपोक्लोरेट का CLO होगा, ब्रोमाइड का BR होगा, हाइपोब्रोमाइड का BRO होगा, इसे का वैलेंसी क्या है, 1 है। नेक्स्ट वो आयोडाइड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारे का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, सारे का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा। हाइपोआयोडाइड है,
आई हो गया वन हो गया वैलेंसी, फॉस्फाइड है पी हो गया, वैलेंसी कितना हो गया तीन हो गया, फॉस्फाइड का फॉस्फेट होता है फॉस्फोरस होता है ना जी, तो फॉस्फोरस का निकालोगे वैलेंसी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है ना फॉस्फोरस का 15 होता है, तो 15 को कैसे लिखोगे, दो आठ पांच लिखोगे तो तीन इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो वैलेंसी कितना होगा तीन होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो वही वैलेंसी तीन है, फॉस्फेट का तीन है, फॉस्फाइड का दो है, एसीटेट है बाबू, आपको ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे आपको एसीटेट है ना, एस्टिक एसिड आएगा है ना, इथेनोइक एसिड ब्यूटेनिक, इसका कितना होता है वन होता है, मतलब इस पे -1 चार्ज रहेगा, सारे पे क्या रहेगा माइनस, ये -1 चार्ज, कार्बोनेट है वो याद रखना कार्बोनेट पे दो चार्ज आएगा है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद रहेगा, वैलेंसी याद रहेगा, कार्बोनेट का याद रहेगा है ना, ये सब याद रखना बाबू, बहुत इसका यूज करेंगे, कार्बोनेट का क्या होगा CO3 हो जाएगा, CO3 होगा वैलेंसी कितना होगा टू हो जाएगा, ये कार्बन का बाबू चार होता है, जिंकेट है बाबू, सिलिकेट है, क्रोमेट है ना, पोटेशियम क्रोमेट हो जाएगा, डाइक्रोमेट हो जाएगा है ना, डाइक्रोमेट का Cr2O7 होता है, ये सब ये आपका क्या हो गया परमानेंट हो गया, ये परमैग्नेट हो गया और साइनाइड हो गया, आगे फिर बहुत सारा इसमें फेरोसाइनाइड है, फेरिक्साइनाइड है ना, तो हम लोग उतना ही करेंगे जितना हम लोग का क्या रहा है यूज रहा है, श्रुति काय बंद है बाबू ठीक, अब बाबू आपको बाबू हाउ टू राइट बाबू है ना मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे है ना, इतना सारा हो गया, कौन से साइड वाला मिटाए बाबू, एक साइड वाला सर मिटाते एक साइड वाला रह देते बाबू है ना भोला मेरा, हाँ सर इधर मिटाते हैं ना, इधर इधर वाला रह देते हैं, नेक्स्ट बाबू डिटर्मिनेशन है बाबू मोलिकुलर फॉर्मूला, अब मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे तो शांति से समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्योति ज्योत जलाना है जी, हाँ सर देखो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड आपको लिखना कहेगा, डिटा नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला है ना, तो बहुत सारा बच्चा को नहीं लिखना आता बाबू, नेक्स्ट भोला बाबू डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने आ गया, तो यहाँ से फिर हम लोग क्या निकालेंगे मोलिकुलर मास निकालेंगे, अब मोलिकुलर मास अगर हमको निकालने के लिए आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो जो भी टॉपिक आपको नोट्स बनाया बना के दिया गया एकदम सिक्वेंस ऑर्डर में, सबसे पहले आइटम के बारे में बताएं, आइटम के अंदर घुस गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटोन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन को सजाने के बारे में बताएं, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से वैलेंसी निकालने सिखाएं है ना, फिर आइटम को जोड़कर क्या बना मॉलिक्यूल्स बना, तो ये सब सारा का सारा क्या मॉलिक्यूल्स है, फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे, फिर मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे मास निकालेंगे तोल तोल के, फिर मॉलिक्यूल का मास निकलेगा तो फिर क्या पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे है ना, फिर परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह करेंगे है ना, तो ये सब सारा आपको सीक्वेंस ऑर्डर में जा रहा है, स्टोरी कैसे जा रहा है एकदम सीक्वेंस में जा रहा है ना, डेली रिलीज करते चलना, तो मोल क्या बता डिटर्मिनेशन रहे ऑफ मबो सर, मोल तो मोलकुलर एवोगाड्रो फॉर्मूला, कांस्टेंट होता है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला है ना, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो, जैसे सर एक नंबर, अब भोली पढ़ाई पर ध्यान दो, जैसे सर हाइड्रोजन मोल क्लोराइड तो है, एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है ना, क्या बोले, मोल तो एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है ना। हाँ जी एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, उसमें हम लोग बाबू 1 मोल में 6.023 × 10²³ इतना आइटम्स होते हैं ना, तो वहां से हम लोग कार्बन मोल निकाले था, ये 1 मोल में ना होता है, मान लो 5 ग्राम ले लेगा 10 ग्राम ले लेगा, कैसे सीखेंगे, देखो पहला क्या है वो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बचपन में सिखाते हैं आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड का कहेगा फॉर्मूला लिखने के लिए, शांति समझना बाद में लिखना, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा ठीक, हाइड्रोजन के सिंबल कितना सर, यस सर, क्लोराइड है बाबू, क्लोरीन के वैलेंसी का सिंबल कितना सर, Cl सर है ना, नेक्स्ट बाबू वैलेंसी लिखेंगे, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी बताए बाबू कल एक होता है, क्लोरीन की वैलेंसी भी कितना होता है एक होता है, इसके बाद क्या करना बाबू गठबंधन करो है ना, गठबंधन करो उसका टोपी उस पर पहनाओ, ये वन यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी इस आइटम के पास और इसका वैलेंसी इस आइटम के पास, मतलब यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा शांति से समझते चलना, फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बनेगा H1 और Cl1, अरे वन यहाँ आ गया और ये सी ई वाला वन वहां चल गया, तो H1Cl1 है ना, तो H1Cl1 अच्छा ना लगता है ऐसे नहीं लिखा, वन वन नहीं लिखता, अरे कहीं भी देखता एक्स देखता है तो एक्स के आगे वन लिखल जाता है ना, टू थीन रहता तो लिखते हैं एक नहीं ना लिखा जाता, तो ये अच्छा नहीं लगता इसीलिए क्या लिखते हैं HCl लिखते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा HCl बनेगा, क्या बनेगा HCl बनेगा, नहीं समझ में आया शांति से समझो,
याद रखना हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। कॉमन नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम है ना, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अभी LKG वाला पढ़ा रहे हैं। दूसरा नंबर, जैसे सोडियम क्लोराइड कहेगा, क्या कहेगा, सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम हो गया। इसका कहेगा फार्मूला बनाने के लिए क्लोराइड हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सैम्बुल लिखेंगे सोडियम का। बचपने में पढ़ाए सोडियम का सैम्बुल कितना होता है, Na होता है। किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी समय के लिए पढ़ाए थे। क्लोरीन का सैम्बुल कितना होता है, Cl होता है। फिर इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। सोडियम के वैलेंसी कितना, वन। क्लोरीन का कितना, वन होता है। इसका वाला यहाँ पे चिपकाओ, इसका वाला यहाँ पे चिपकाओ, तो चिपकावा चिपका भी करोगे बोला तो क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा आपका, NaCl बन जाएगा फार्मूला। अरे ये वाला वन यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसी को क्या कहते हैं, आपका फार्मूला इसका क्या तैयार हुआ, NaCl तैयार हुआ। कॉमन नेम क्या बोला, टेबल साल्ट है, देश का साल्ट है। क्या है, टेबल साल्ट या साल्ट है, लिखो बोला। ये सब LKG वाला लिखो। देखो पढ़ाते कौन किसका दिन भारी हुआ जी, कौन भाग गया जी। अरे सर, क्लियर नहीं आ रहा, फोटो खींच के भेज दीजिए ना। भोली, क्लियर नहीं आ रहा भोली, हुआ क्लियर भोली, कुछ ज्यादा क्लियर सर लिखिए। सर, अब लैग होने लगा, इतना क्लियर हो गया। क्या हो गया, लिखो बाबू जल्दी लिखिए। मेरा पेन ड्राइव खो गया भोला, चुन्ना लग गया। बता सारा, इतना अच्छा वीडियो था, स्कूल जाएंगे पूछेंगे तब ना जी, कहाँ खो गया भोला। जल्दी लिखो जी, बिट्टू आ रहा समझ में बाबू, तेज यस सर। हो जाएगा। हाँ हाँ सर, बाबू, ये आ रहा भाई जी, का है बाबू, पिटाने के लिए आया जी आ रहा। अब शैतान, इसका में नेट नहीं बच रहा, क्लास का अटेंड करने आया। बताओ इसका दिमाग उमाग जान बैलेंस हो गया कहाँ। ये लो बाबू, वीडियो ऑन करो। लव ये वो कौन धसक गया, सर, संजना है। कोई तो किंग से ज्वाइन किया था। अरे वही बचवा, उसको कुटा। जल्दी लिखो जी, लिख लीजिए, थोड़ा सर लिख रहे हैं। फास्ट लिखो बाबू, 10th के बच्चे बाबू। लिखी जी, गुनगुन लिख ली बाबू। चलो यस सर। ठीक है, लिख ली ज्योति।
हाँ सर, हो गया। चलो चलो ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं ना। नेक्स्ट हो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, ऐसा कभी हुआ नहीं बाबू कि बच्चा को समझाया समझ में नहीं आया, है ना। नेक्स्ट बाबू, 3 नंबर, आपको कुछ नहीं करना, वैलेंसी याद रखना है, मॉलिक्यूल्स याद रखना है, आंसर लूट लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड कर लेना, है ना। अभी एलकेजी वाला हम लोग कर लेते हैं कि नहीं बाबू। जैसे मैग्नीशियम बाबू, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड रहेगा लिखने के लिए, ठीक। 3 नंबर, मैग्नीशियम हो गया, MgCl2 आएगा, Mg का वैलेंसी 2, Cl का 1, MgCl2। क्लोराइड हो गया, शांति से समझो, लिखना बाद में बाबू, शांति नहीं। तो मैग्नीशियम को बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, सैंबोल लिखेंगे, बचपन में सिखाए थे बाबू, 1 से 30 तक के किस समय के लिए सिखाए थे, इसी समय के लिए। मैग्नीशियम का सैंबोल लिखेंगे, कितना होता है, Mg होता है। क्लोरीन है, क्लोराइड है बाबू, क्लोराइड का सैंबोल अभी लिखा है ना इसमें, जे निगेटिव रेडिकल में Cl था, यहाँ देखो ना, क्लोराइड होगा है रमिक, नहीं है वो रम होगा, तो रम नहीं तो उसमें था, ठीक है ना। क्लोराइड का क्या है, Cl है, वैलेंसी लिखो, तो कल पॉजिटिव रेडिकल में वैलेंसी मैग्नीशियम के 2, क्लोरीन का कितना, क्लोराइड का 1, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब क्या करो, इसका टोपी उसमें पहनाओ, ठीक है ना, इसका टोपी किसमें पहनाओ, उसमें पहनाओ, ठीक। कौन कौन आ जा रहा है, ये हो गया आपका, इसमें चिपकाओ और ये वाला इसमें चिपकाओ, मतलब आपका क्या बब कह रहे हैं सर, जो फार्मूला तैयार होगा क्या बने बाबू, Mg1, Mg1 है ना, और Cl2, तो 1 अच्छा नहीं लगता, सुंदरता में 4 चांदे के है ना, ये क्या होता है, दाग लग जाता, तो MgCl2 कहते हैं, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, है ना। हाँ सर, ने समझो, है ना, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा, है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड रहेगा, तो क्या होगा, एल्युमिनियम का सिंबल कितना, Al सर, एल्युमिनियम का सिंबल Al सर, क्लोरीन का कितना सर, Cl सर, वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी एल्युमिनियम का कितना सर, 3 सर, क्लोरीन का हुआ, तो इसका वाला यहाँ चिपका देंगे, इसका वाला यहाँ चिपका देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, AlCl3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, है ना, ठीक। इधर उधर इलाज करके 4-5 को लिखते बाबू, है ना, इसका कह ले आरसी उतार ले, नहीं दिख रहा ज्योति, बोले दिख रहा गुनगुन की, नहीं दिख रहा जी, दिख रहा है सर। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, 5th नंबर, जैसे आपको क्या कहेगा सर, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, नेक्स्ट भोला, ठीक। मैग्नीशियम अगर ऑक्साइड कहेगा, मैग्नीशियम सोडियम ऑक्साइड कहेगा, तो ऑक्साइड अभी लिखा है, मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg होता है, ऑक्साइड का ओ होता है, यही होता है ना। हाँ सर, वैलेंसी लिखेंगे, एमजीओ हो जाएगा सर, एमजीओ ओ2 मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना, 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी लिखा है 2, टेबल में देखना, ऑक्सीजन वैलेंसी कितना, 2, तो जब दोनों सेम नंबर रहेगा ना, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, फार्मूला जो बनेगा है ना, जो फार्मूला बनेगा, ये यहाँ चिपकाओ, ये यहाँ चिपकाओ, तो क्या बनेगा, Mg2O2, तो ये दो दो सेम होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, ये दो दो कट के क्या देगा, 1 1 देगा, दो दो कट के क्या देगा, 1 1 देगा, तो क्या बनेगा, Mg1O1, अब फिर 1 1 अच्छा नहीं लगता, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, MgO बनेगा, है ना। नहीं समझ में आया, आगे समझो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। सरेल टू ओ थ्री नेक्स्ट, तांबूल एल्युमिनियम का कौन सैंबुल परेशान आत्मा है जी? ये किसका नंबर है जी? सैंबुल, हेलो, नमस्ते मैम, हाँ मैम, ठीक है मैम, थोड़ा देर में बात करते हुए, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है मैम। हाँ बाबू, अल्मोनियम और ऑक्साइड है ना, अल्मोनियम का वैलेंस कितना बाबू? थ्री थ्री। ये सब कुछ है जी, बताओ, ये सब 9 में पढ़ने के लिए दिया है, बताओ। आपको अगर 7 में समझाते बाबू, डेफिनेटली समझ में आ जाता। ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना? दो। एकर वाला यहाँ चिपका दो, एकर वाला, ये अभी दोनों अलग अलग है ना, 3 2 दोनों अलग अलग है, तो काटे की जरूरत नहीं है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AL2O3 ओ, बच्चा सब मेरा तेज हो गया कि अब क्या है? ए 2 यहाँ चिपक जाएगा और 3 वहां चल जाएगा, तो Al2O3, यही ना देखता, लिखो। तो ये सब बाबू सिर्फ खाली ये है, लूटने वाला है ना, पैसा बर्बाद करने। आपको ये इमेज भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, पढ़ा है जी? हाँ सर, हाँ समझा, हाँ स्कूल में सब चीज मिलेगा। नहीं पढ़ी गुनगुन, फिर से भेज दे जी। नहीं सर, पढ़े थे, आपको कहाँ से मिल जाता है सर ये सब? मिलता बाबू, अच्छे अच्छे लोग भेजते हैं जिसको स्कूल से चिढ़ है बाबू। प्रिंसिपल भेजा है है क्या ना, एक दिन ऐसे एक और भेज लेता बाबू, है ना, एक गार्जियन लिखो, समझाते हैं पहले, बताते हैं उसके बाद। बताइए ना सर, लिखते सुन सकते हैं सर, सेंस ऑर्गन साथ में काम एक करता है। गार्जियन था बाबू, जैसे अभी फोन आया ना कि मेरे बच्चा 3rd में पढ़ रहा है ना, तो एक गार्जियन था बाबू, है ना, बेचारा क्या था, तो वो स्कूल गया बाबू, सामने प्रिंसिपल थे बाबू, है ना, तो गार्जियन बोला बोला है ना कि हमको क्या क्या लाना पड़ेगा, मैंने इसको बच्चे को ये अथी करवा रहे हैं, तो हमको क्या क्या देना पड़ेगा, मैंने क्या क्या लाना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल क्या बोला बाबू, है ना, कि सिर्फ आप बच्चा लेके आइए, बाकी जूता चप्पल पेस्ट उट सब हम यहीं से दे देंगे, ठीक नहीं मिलता है है, सर, खाली आप स्कूल में बच्चा लेके जाइए, बाकी सारा चीज मिल जाएगा, डायपर टाइपर सब चीज वहीं मिलेगा। एजुकेशन हाँ एजुकेशन बाबू तो हमारे यहाँ ही मिलेगा, भोला क्या करें, जल्दी लिखो। अरे बाबू मेरा पेन ड्राइव खो गया, बताओ भोला, जाके स्कूल वाला को फोन करना पड़ेगा, बच्चा सब लेके भाग गया होगा। सर, आपके घर से लेके भाग गया सर स्कूल। अरे नहीं स्कूल बोले नहीं थे, वो स्कूल में गए थे बाबू, है ना, तो पढ़वाया है तो पेन ड्राइव लगता छूट गया, डेथ या पे लेक्चर डेस्क वे पे छूट गया क्या? सर कोई लेगा फिर सर तो देगा, कहाँ कोई देगा, देने वाला रहता है बाबू, फिर नया बनाना पड़ेगा, उसमें सब कैमरा देखो चेक करवाइएगा। देखो पेन ड्राइव देखो जाता है, दुख नहीं होता, उसमें मटेरियल कंटेंट रहता है ना, वो जाता था बड़ी सर फोर्स। बहुत सारा फोल्डर होगा सर आपका तो फिर। हाँ बहुत सारा फोल्डर, अभी फोन करते हैं, खुला है कि है नहीं है, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, स्कूल वाला खाली बिल्डिंग बनाता जी, बहुत चिढ़ भरता है, शैतान है, कुछ सिस्टम ही नहीं रखता ना, प्रोजेक्टर है ना कुछ है, कुछ रख भी नहीं करता, क्या किया जाए। नेक्स्ट बाबू, तो ये बाबू ये सब कुछ LKG वाला, क्या LKG वाला, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का आएगा तो बना नहीं लगा मेरा, कैल्शियम की वैलेंसी ए, क्लोरीन की वैलेंसी ए, तो क्या बनेगा, KCl बन जाएगा, है ना, KCl बन जाएगा। देश का हेलो नमक, देश का नमक बताए बाबू। नेक्स्ट भोला, हाँ एनएसीएल लिख ली बाबू, ज्योति, येरा से ज्योत यस सर, जलेगा, ज्योति, लिख चलो अच्छी बात है। श्रुति लिखी बोली, श्रुति हाँ यस सर, लिख ली। बोली, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया आगे समझो, 7वां नंबर, मेरे यहाँ पर वैसा होता नहीं कि तो जो टॉपिक पढ़ाया जाए समझ में नहीं आवे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर, आगे क्या बाबू, बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या होता है, बेस होता है, 7 नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तो कैल्शियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, तो कैल्शियम का बताइए क्या, तो बाबू सैंबुल कैल्शियम का क्या होगा, CA हो जाएगा,
कैल्शियम का सिंबल Ca हो जाएगा, है ना। ठीक, हाइड्रोक्साइड का बाबू लिखा है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है जी, OH होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। जितना लिखा है उतना बाबू, है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी याद रखना। ठीक, वैलेंसी कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। अब यहाँ पे समझना बाबू, चिपकाने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, इसी जैसे तैसे चिपका दोगे गलत हो जाएगा। सेम्बुल ई यहाँ जाएगा और ई यहाँ जाएगा, मतलब क्या बाबू, कैसे चिपकाओगे, देखो जी कैसे चिपकाना है। हमको तो मन कर रहा है सर कैल्शियम 1 है ना बाबू, तो Ca1 और OH2, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिख दो, दो है बाबू चिपकाओगे यहाँ पे, दो आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो वैलेंसी जाएगा तो दोनों पे जाएगा, सर है ना, ये दोनों OH पे जाएगा, दोनों के लिए जाएगा। यहाँ पे अगर दो लिखा है तो बाबू, ब्रैकेट मतलब दे देंगे। यहाँ पे दो लिखा मतलब ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन को बता रहा है, हाइड्रोजन के साथ दो है ना, और ये जो वैलेंसी जाता है पूरा इधर आइटम रहता है पूरे के साथ जाता है, मतलब क्या होगा, OH2। यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, CaOH के होल 2, कैसे पढ़ेंगे, CaOH के होल 2 पढ़ेंगे, है ना, जैसे मैथ में पढ़ता है, 1 नहीं देंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड तो मेरा आसान है बाबू, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कहेगा तो क्या बन जाएगा जय बाबू, बोलो संजना, बोल दो संजना, कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो सर, CaO, सर CaO, क्योंकि शैतान, दोनों का ये समझना नहीं याद किया बाबू, कैल्शियम का कितना सर Ca, ऑक्साइड का कितना सर ऑक्सीजन का O, वैलेंसी कैल्शियम का कितना सर 2, ऑक्सीजन के भी कितना सर 2, दो दो मर के क्या 1, तो फार्मूला क्या बनेगा, दो मर के कितना 1, तो फार्मूला जो बनेगा बोला क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा। नहीं समझ में आता समझना, बोले कहाँ है, नहीं है जी, नहीं है ये जी, नहीं आता बाबू, थोड़ा सा नहीं आ रहा समझना, ए बाबू बोलो ना समझना, अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा, मुंडी हिला वैसे ऐसे नहीं हो रहा, अच्छा चलो ठीक, लिखो लिखो लिखे, जल्दी लिखो, तो कुछ नहीं करना, मोलकुलर लिखे में है ना बाबू, आपको खाली याद रखना, दो चार गो का नाम लिख के लिखना, दे रहे हैं बाबू, है ना, 7-8 गो दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखना, तो इसी तरह तरह से लिखना तब ना सीखोगे जी। सर होमवर्क हाँ बाबू, ले सीखोगे कैसे, कौन कौन इम्पोर्टेंट है, आपको जितना भी टाइप था हमने आपको करवा दिया है ना, एक अमोनियम सल्फेट है, इसको भी काले हाई सर आप ले, एक अमोनियम सल्फेट लिख लेते हैं ना, अमोनियम सल्फेट है, ठीक, तो अमोनियम का भी लिखा है बाबू, सैंबुल कितना होगा, NH4 होता, सैंबुल अमोनियम का कितना, NH4 होता, सल्फेट का कितना, बी एस मरवाए SO4 होगा, सल्फेट का क्या होगा, SO4 होगा, वैलेंसी अमोनिया का 1 होता। सर, एन एच कैपिटल होगा। हाँ हाइड्रोजन, हम लोग बाबू जब देखो NH4 अमोनिया है तो नाइट्रोजन है और प्लस हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे। कैल्शियम है तो Ca मत लिखना, कैल्शियम को C कैपिटल नहीं लिखते हैं, कैल्शियम एक क्या होता है, एगो बड़का एगो छोटका होता है, एगो बड़का एगो छोटका होता है ना, डिफरेंट आइटम रहेगा तो उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अमोनिया की वैलेंसी कितना 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना 2, तो यहाँ ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, इसे गलत हो जाएगा, हमारा मन कर रहा है इसे लिख दे, कैसे सर, NH4 है सर और दो एरा में तो दो मल्टीप्लाई कर दे कि नहीं, ISO4 है सर 1 है ना, ऐसे अगर सोचते हो भोला तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, NH4 मल्टीप्लाई 2, ये आपका गलत हो जाएगा, गलत भी लिख के काटो, कैसे होगा क्यों सर, काटे? NH4 है, ये दो जाएगा पूरे पे जाएगा, तो NH4 के होल 2 SO4, ये दो पूरे पे जाएगा, क्या जाएगा, पूरे पे जाएगा, NH4 के होल 2, सॉरी बाबू सर SO उसको 2, टिक मार दीजिए सर कि वो सही है। अच्छा ये आपका सही हो गया।
जल्दी लिखो जल्दी लिखो, दो चार को देते हैं बनाने के लिए, खोज खोज के बाबू। जल्दी करो। चलो हम लिखा रहे हैं बाबू, लिखते चाहिए, बना के लाना है, बढ़ाना बाबू संजना, गड़बड़ नहीं करना बाबू, आपको कुछ नहीं करना है संजना बोले, पीछे जो टेबल है उसमें से देखना है, बैलेंस लिखना है, सेम्बो लिखना है, कंपाउंड का नाम लिखना है। रो रही हो शांतनी, बोले नहीं सर, नहीं रो रही हूँ। नहीं रोना। हाँ रोना नहीं बाबू, नहीं समझ में आए तो रोना नहीं है, हिम्मत बाबू हिम्मत बांधिए बाबू, रोने से बाबू क्या होगा, शरीर और थोड़ा मोटा हो जाएगा, शरीर हो पतला हुआ शांत नहीं है, नहीं तो बड़ी बीमार पड़ोगी, थोड़ा बहुत तो बड़ी डाउन हुआ बोले। अरे हाँ सर हुआ है, भुवनेश्वर गई थी तो नहीं हो तो गया। थोड़ा हम लोग को भी ट्रांसफर कर दो बोला, काम करते करते थक जाते हैं। जल्दी लिखो जी, सब सर बड़े एक सब महीने का छुट्टी दीजिए। सब आदमी का बड़ी अलग लो, हम लोग कितना खाएंगे बाबू, कभी नहीं भैंस बनेंगे, हमेशा बाबू बकरी का बकरिये रह जाएंगे, सही बोला सर। कोई के बाबू नहीं हो खाता फिर भी फैलते जाता, सबसे ज्यादा सर फैलता स्कूल दो का रोटी खाता प्रिंसिपल, तो भी इतना मोटा हो जाता कि कहो मत। हम लोग सबसे ज्यादा तो फैलता स्कूल का कितना प्रिंसिपल खिला लो, हम बाबू। लोग मोटा होते ही नहीं है। सफी चलो शुरू किया जाए बाबू, लिखा जाए, खोज खोज के लिखाते सर हैं। नेक्स्ट बाबू, इंक खत्म, किस ब्लू कलर है, 10 नंबर, चलो 10-15 को जल्दी से लिखो, तो क्या बोला, बेरियम क्लोराइड, जल्दी से लिखते दो चलो, इसको बनाना है बेरियम क्लोराइड। ये बुक है बाबू, कौन सा बुक है बाबू, हमारे पास तो बहुत सारा ये थी वाला फॉर्मूला वाला बुक है ये। सर पीस नंबर एक बता दीजिए तो सर। बार फिर सर, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। जिंक क्लोराइड, हाँ सर सब रहता है सर। हाँ बोला, पेज सर पेज नंबर नंबर मतलब, सर, जहां से आप क्वेश्चन लिखा रहे सर उसका पेज का नंबर। अरे तो पेज नंबर पूरा थोड़ी लिखाएंगे, पेज नंबर जो बता रहे हैं से तनहद करता है जी। पोटेशियम लिखा तो उसी से रहना सर। क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, सुबह पढ़ाए थे बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड में कैसे बॉन्ड होता है। डीआई वाली पोटेश सर नाइट्रस ऑक्साइड, बैरियम का वैलेंसी कितना होता है सर? बेरियम क्लोराइड का लिया ना लिखा है जी, बेरियम का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा और क्या, हाइड्रोजन होगा सर। ऑक्साइड क्या होगा जी बताओ, इसका नाम क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होगा समझना बोलो बाबू, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है जी, क्या होगा लब बाबू बोलो जी, बताओ कैल्शियम हाइड्राइड क्या होगा गुनगुन, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है जी, H2O सर। पानी है, सर वाटर लीक गया सर, तो ऐसे नहीं निकालेगा सर, H2O लीक देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट, सल्फेट का भी बताएं जिंक का भी बताएं, सल्फेट का H4 कैल्शियम सल्फेट, सर, ये सब का फॉर्मूला तो ऐसे भी याद हो चुका है बिना वैलेंसी के।
हाँ तो याद ऐसी तो करना है तो लिख लिख के याद कर लेगा बच्चा सर। मैग्नीशियम सल्फेट ये सब यूज बहुत होता है। सर पोटेशियम परमैंगनेट का बताइए। K2Cr2O7। सेवन सर परमैंगनेट का क्या लिखा था जी? ठीक MnO4। डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ब्लॉक होता वो। नेक्स्ट बोला पोटेशियम सल्फेट 20 नंबर। पोटेशियम सल्फेट करना है जी साहब, ये सब करोगे जिंदगी यही सब काम देगा और कुछ नहीं काम देता। स्कूल सर वाला कभी नहीं कितना काम देता। अरे दीजिएगा सर? तो करना कुछ है, फॉर्मूला या ये सब इम्पोर्टेंट है, यूज होगा जिंदगी भर। बाइकार्बोनेट लिखा है ना जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये समझना होगा बाबू, पोटेशियम पर मैग्नेट। लो पोटेशियम पर मैग्नेट सर आप पहले 5 बोले, फिर आप 15 बोले, फिर आप अब 23 पे पहुंच गए हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। हाय तो ऐसे बहुत सारा बाबू हाय, ऐसे 150 दो 300 400 है, 300 के आसपास है। लिखो इतना लिखो, रो काल रहा है। कौन दूगो बच्चा भागा, किसका दिन भारी हो गया? एगो भागा कौन जी, गौरव, गौरव शैतान गया, उसका ग्राफ आजकल डाउन चल रहा है। भेजिए सर व्हाट्सएप बना भी लिया? पे। ये सर आधा बना लिया सर। ठीक है सर, क्लास तो खत्म। अब थोड़ा थोड़ा आ जाता है समझ में शांतनी। कल बाबू डांस है शांतनी आपका? कल सर कल नहीं, सैटरडे को है। अच्छी बात है, बोले तो फेर वगैरह खत्म हो जाएगा, कब तक कर लोगे शांतनी? सर हो जाएगा। हाँ भोली, वो तो पता है कि कर लोगी।